नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए फाइल को ओपन करते हैं। आज हम लोग शीट मेटल में नया कमांड सीखेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा कमांड रहेगा दोस्तों, ये फ्लैंज वाला टॉपिक पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो लेक्चर चालू करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जाके यहाँ पर टाइप करें MD डिज़ाइन एकेडमी, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दिए गए सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए, अभी नॉर्मल केस में ये मेरा फ्लैंज वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं है। इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले एक हम स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, टॉप व्यू में लेके एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक फिलेट कमांड दे देते हैं, ठीक है। इसको रेडियस एक डिफाइन कर देते हैं सपोज, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको 100 और ये भी 100 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे बाहर निकलते हैं, ओके करते हैं, इसको प्लेनर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका थिकनेस एक दे देते हैं 4 सपोज, ओके करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये मेरा जो फ्लैंज वाला जो सेक्शन है, ये मेरा हाईलाइट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो हम फ्लैट वाला जो ऑप्शन पढ़े थे, फ्लैट और फ्लैंज दोनों में ये ऑप्शन है कि फ्लैट में आपको एट अ टाइम सिंगल एज को आपको सेलेक्ट करने देगा, ठीक है, और फ्लैंज में ये ऑप्शन है आपको मल्टीपल एजेस में आप वाल को प्रोवाइड कर सकते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट बटन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मुझे इस एज में चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब सपोज इस एज में भी चाहिए, ठीक है, तो हम शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों, देखिए, और अभी सेलेक्ट करेंगे तो देखिए मेरा सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों, देखिए सेलेक्ट हो गया। चलिए उसी तरह मेरा नेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो गया, उसी तरह मेरा नेक्स्ट सेलेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीपल एजेस को हमको सेलेक्ट करने देगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम सिंगल एजेस पे ही फोकस करते हैं, नीचे वाला, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है, ये मेरा फर्स्ट साइड के लिए है, ठीक है, सपोज ये मेरा फर्स्ट साइड है ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहला जो है आपका अप टू द चैन इंड है आपका, मतलब जहाँ पे डायरेक्शन इंड हो रहा है आपका, ठीक है, ये वाला इस पॉइंट तक। अगर आपको ऑफसेट देना है तो सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू सपोज हम 20 प्रोवाइड कर दिए, तो ये अपने 20 जो है आपका फाइनल इंड से जो है आपका यहाँ पे 20 आपका ये देखिए यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, और यहीं पर अगर -20 करेंगे तो अंदर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे अप टू रिफरेंस पॉइंट, सपोज हमको इसमें रिफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, सपोज हमको यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ तक आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मल केस में हम यहाँ इन तक रखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट साइड के लिए। उसके बाद है ये मेरा सेकेंड साइड, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं सपोज 15, तो देखिए यहाँ पे 15 आपका ये वाला शिफ्ट हो गया है इससे, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार एक तो यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, आप यहाँ से भी माउस के द्वारा ड्रैग करके आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपका ये जो आपका यहाँ पे लेंथ वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है, तीनों आप यूज़ करके यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखिए यहाँ पर आता है मेरा फ्लिप का ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। तो फ्लिप पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट व्यू लेते हैं, ये एक मिनट, इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज हम इसको फ्लिप करते हैं, तो देखिए ये इसके आगे हो गया, ठीक है, इसको समझने के लिए इसका हम व्यू चेंज कर लेते हैं, देखिए, और यहाँ पे फ्लिप कीजिए तो यहाँ पे इसके आगे हो गया, ठीक है।
तो ये फ्लिप आपका जरूरत के अनुसार जो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा थिकनेस, ठीक है। थिकनेस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेरा वाल खड़ा किए हैं इसका जो अगर थिकनेस आपको रखना है बेंड पे तो रख दीजिए, नहीं तो अनटिक कर दीजिए। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो मेरा बेंड ये बन रहा था दोस्तों वो मेरा हट चुका है यहाँ पे। सो प्रोवाइड करने के लिए फिर से क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक बेंड आपका आ गया। अब ये डिफाइन करना है बेंड का थिकनेस क्या रखना है। थिकनेस मतलब जो आप वाल का थिकनेस है वही बेंड का थिकनेस होगा, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट थिकनेस दिया हुआ। दूसरा और ये जो इसका जो थिकनेस है आपका ये लास्ट वाला, ये रेडियस वाला, ये पहला जो है मेरा ये एक्सटर्नल रेडियस है मतलब ये बाहर का रेडियस आपको क्या रखना है, ठीक है। सेकेंड है मेरा इंटरनल रेडियस और थर्ड है मेरा जो रेडियस है ये वाला जो इसका पेरीमीटर जो है वो थिकनेस के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए अलग हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो थिकनेस का वैल्यू होगा वो इसके इंटरनल रेडियस के इक्वल होगा या फिर एक्सटर्नल या फिर आपका पेरीमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोज 5 कर दिए तो ये अपने हिसाब से ही चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल थिकनेस रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऊपर वाला ऑप्शन क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें है ये वाला पोर्शन में, देखिए आप अपनी ज़रूरत के अनुसार। अभी हम एल शेप करके रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेप को चेंज कर सकते हैं, आर्क भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आर्क में आपको डिफाइन करना पड़ जाएगा क्या है नहीं है। एस शेप कर सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, ठीक है। फ्लश रख सकते हैं, आपको जोगल रखना है जोगल रख सकते हैं, देखिए। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है इसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। आर्क में देखिए आर्क में आ गया, यहाँ पे एक आर्क बन गया। इसको देखने के लिए यहाँ शेप में जाइए और स्केच प्रीव्यू देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक आर्क बन गया ना आपका ये 45 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे एल शेप रखते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मेरा लेंथ वाला भी क्लियर है दोस्तों। अब देखिए बेंड पोजिशन है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम व्यू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये पीछे शिफ्ट हो गया दोस्तों, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, आपको ऑफसेट वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ सकेगा कि आपको जो एक्चुअल जो मेरा वाल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कितना ऑफसेट रहेगा, ठीक है। सपोज 5 कर दिए, एक मिनट इसको कम करना पड़ेगा, 2 कर दीजिए, इनवैलिड बता रहा है, 1 मिनट 1 करते हैं, ये भी नहीं ले रहा है, 1 मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए इसमें मेरा ऑफसेट वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। तो आप जरूरत के अनुसार जो है इसमें आपका रखना है आपको। तो जिसमें हम 10 कर देते हैं, 10 भी नहीं ले रहा है, 12 भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये आप फीचर आपका कौन सा डिफाइन है, उसका लेंथ क्या है, एक्चुअल जब हम लोग मेज़र करेंगे तो उस टाइम में आपको ये देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए उसी तरह ये थर्ड वाला मेरा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो ये आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला मेरा आता है रिलीफ, ठीक है। रिलीफ को समझने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए सपोज इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अब रिलीफ वाला ऑप्शन से हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है मेरा यहाँ पे बेंड रिलीफ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप पहले हम सेलेक्ट करते हैं सपोज रेक्टेंगुलर। तो देखिए रेक्टेंगुलर जैसे हम सेलेक्ट किए तो जहाँ पे ये बेंड इन थोड़ा है, देखिए यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन सबका बन चुका है। ये सेम चीज़ हम लोगों ने फ्लैट में भी डिस्कस किया था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह मेरा यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर, उसी तरह रिप में है आपका, उसी तरह नो रिलीफ है, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है इसको ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अप टू बेंड रखना है, अप टू ब्लाइंड रखना है, जो भी है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये रिलीफ वाला जो है आपका यहाँ पे दोनों साइड के लिए अलग अलग भी आप कर सकते हैं। सपोज इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें साइड वन के लिए अगर आपको अलग देना है, मान लीजिए सपोज आउटबाउंड देना है तो आउटबाउंड सेलेक्ट कर लीजिए, और साइड टू के लिए सपोज
रेक्टेंगुलर देना है तो रेक्टेंगल दे लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर हो गया और ये वाला इनमें देखिए यहाँ पे क्वार्ट बाउंड हो गया, ठीक है। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार जो है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा कॉर्नर रिलीफ दोस्तों, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग एक मिनट, इसको सेलेक्ट करते हैं एक और, इसको जीरो कर लेते हैं और एक और एजेस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो एजेस हो गया, अब दो इसमें जाते हैं रिलीफ में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कॉर्नर पार्ट है जहाँ पे दो वाल मीट कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रिलीफ प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे देखिए सपोज वी नोच है, यहाँ पे हम चेंज करते हैं सर्कुलर में, तो देखिए यहाँ पे आपका सर्कुलर पार्ट बन चुका है दोस्तों। इसको देखने के लिए अंदर से देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे सर्कुलर पार्ट बन चुका है। उसी तरह हम यहाँ पर से चेंज करते हैं इसको स्क्वायर में, देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है दोस्तों। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है यहाँ पे आप वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका आपका कॉर्नर रिलीफ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा बेंड अलायंस। तो बेंड अलायंस हम लोगों ने बोला था एज़ पर जो मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट है आपका, जो आपको यूज़ करना है, ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है आप या तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, या फिर आप अगर फीचर है आपका अगर वो मैन्युफैक्चरर आपका दे रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दीजिए। नॉर्मल केस में हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, अब अगला आता है मेरा यहाँ पे ये मीटर कट्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस फिगर को पहले हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और सपोज यहाँ पे थिकनेस दे देते हैं 10, थोड़ा सा और कर लेते हैं 50 कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाइट हम लोग बढ़ा देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं सपोज, ठीक है। और फिर से हम लोग यहाँ पे फ्लेंज कमांड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बार यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है, आप कंट्रोल प्रेस करके सेकंड वाला लेते हैं, सॉरी शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीटर स्कर्ट्स में क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं सपोज, ठीक है, बढ़ा लिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा जो बेंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम ये अनटिक कर लें तो पार्ट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। मीटर कट्स पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये जो कट है आपको, ये मेरा मीटर कट्स है, इसको सपोज गैप को आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, सपोज 3 कर दीजिए, देखिए गैप बढ़ गया मेरा, ठीक है। सपोज 10 कर दिए हम यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ पे गैप बढ़ चुका है, ठीक है। तो यही मेरा मीटर कट्स है, जब भी आपका कॉर्नर वाले पार्ट में आपको कट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उस केस में आप ये वाला मीटर कट्स को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें मेरा ये ऑप्शन है, इसको यहाँ पे अगर चेंज करना है सेक्शंस को तो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मीटर कट्स हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए ये तो हो गया ये, अब इसको प्रॉपर्टी को देखने के लिए कंप्लीट मान लीजिए आपको फिर चेंजेस करना है, सपोज आपका थिकनेस चेंज करना है या मीटर कट्स का वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। तो आप फिर से ड्राइंग में जाइएगा, फिर से एडिट कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ फाइल्स में जाएंगे, प्रिपेयर में जाएंगे, यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो शीट्स मेटल के द्वारा जो मेरा बना है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सपोज वाई फैक्टर को चेंज करना है, क्लिक कर लीजिए चेंज, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सपोज 1 कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे फैक्टर आपका अप्लाई हो चुका है। उसी तरह कुछ और सपोज थिकनेस चेंज करना है, प्रिपेयर मॉडल चेक, ठीक है, बेंड रेडियस का थिकनेस चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ठीक है, इसको सपोज 2x कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ओके कर लीजिए और क्लोज कर लीजिए, थिकनेस आपका अप्लाई हो चुका है दोस्तों।
तो हम पूरा यहाँ पे एडिट में नहीं जाके हम कंप्लीट वहीं से आपका थिकनेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो होप आपको ये फ्लैंज वाला जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और हमारा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए क्रियो पैरामेट्रिक का इस दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये दिए गए सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।